राइट गाइज, यार कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस कमाल के वीडियो पे। एंड आज के इस वीडियो पे गाइज होने वाला है एक्सट्रीम लैडर फॉल प्लस रैंप जंप चैलेंज। गाइज पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी आज तक ये चैलेंज को नहीं किया है, पहली बार हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे 6 महिंद्रा की कार्स है एंड 6 टोयोटा की कार्स है। एंड ये जब खत्म हो जाएगी मैं बाकी जो फोर्ड एंड्यूवर है, टोयोटा है, मतलब जो ऐसी गाड़ी है जो आप लोग की फेवरेट है, जो डेट ट्रैक्स फैमिली की फेवरेट कार्स है, उन्हें मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल चैलेंज की ओर बढ़ते हैं। करना क्या है हमें, पहले गाड़ी को हम लोग को यहाँ पे ये ब्लैक सरफेस पे भगाना है ताकि गाड़ी का स्पीड बढ़ सके। एंड उसके बाद यहाँ पे गाइस सीढ़ी चालू होती है, देख लो भाई पूरा सीढ़ी है, लैडर पे लैडर पे लैडर पे लैडर 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 पूरा नीचे तक जाना है। ठीक है, यहाँ तक। फिर यहाँ पे आ जाएगी 3 रैंप एंड यहाँ पे थोड़ा सा पानी है ताकि थोड़ा सा एक फ्रिक्शन बन सके। तो यहाँ पे हम लोग को गाड़ी को चढ़ा करके कुदाना होगा। एंड भाई साहब यहाँ पे एक लाइन जो कि आप लक्ष्मण रेखा भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो गाड़ी इसे पार नहीं कर पाएगी वो फेल है, जो पार कर पाएगी वो विनर है। ठीक है, तो यार यहाँ पे फेल विनर भी तो रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे इसे हमें पार करना है, काफ़ी मज़ा आएगा। लाइक मेन चैलेंज तो भाई साहब गाड़ियों की सस्पेंशन देखने में मज़ा आएगा। एंड जो बाकी गाड़ियाँ लाइक एंड्यूवर, जी वैगन हो गया और लैम्बोर्गिनी यूरस, जो बाकी आपकी फेवरेट गाड़ी है थार वैगन, वो सबको भी मैं बाद में ऐड करूंगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड पूरे यूट्यूब पे आज तक इस टाइप की वीडियो किसी ने नहीं बनाई है, तो पहले तुम्हारे डेट ट्रैक्स भाई ने बनाई। तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके डेट ट्रैक्स फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो भाई किस बात का इंतजार है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। एंड डेट ट्रैक्स फैमिली को सुपर से डूपर बनाने का वक्त आ चुका है क्योंकि हम लोग 60,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। तो फटाफट से यार सब्सक्राइब करके डेट ट्रैक्स फैमिली को ज्वाइन कर लो। तो चलो गाइस यार गाड़ियों को टेस्ट किया जाए, लेट्स गो। ऑलराइट, सो पहली गाड़ी यहाँ पे आ जाती है भाई महिंद्रा की तरफ से, बुलेरो। एंड देखते हैं भाई बुलेरो कैसा परफॉर्म करती है यार प्यार से। ओके ऑलराइट, ओ शिट, ओके ओके, बैलेंस यार महिंद्रा की है, बुलेरो का काफी प्यारा बैलेंस। अंदर से देखते हैं कैसा हो रहा है। ओ भाई कांच तो पूरे चटक चुका है, कांच चटक चुके हैं भाई बुलेरो के पूरे। ओ भाई साहब, बट पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी, हल्की गाड़ी है बुलेरो, नहीं नहीं पहुंच पाएगी, पहुंच जाएगी नहीं। ओ भाई साहब, जस्ट हम लोग लक्ष्मण रेखा को टच किए हैं, तो यार गाड़ी विनर है कि फेल, यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। बट खैर यार पारी कह लो, मैं पारी कर देता हूँ। ठीक है, पहली गाड़ी यहाँ पे पार होती हुई भाई, लेकिन पूरे अंदर के कांच देखो पूरे के पूरे चटक चुके हैं भाई साहब, लिटरली बुलेरो के तो कांच पूरे हिल गए। बट खैर बाकी गाड़ियों के देखते हैं क्या क्या हालत होने वाली है यार। चलो मैं इस गाड़ी को यहाँ पे रखता हूँ एंड चलते हैं अगली, नहीं थोड़ा और आगे रख देता हूँ। ठीक है, अच्छे से जगह जहाँ पे बाकी गाड़ियों को भी मैं रख सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे रख देते हैं ये वाली जगह पे, यहाँ पे थोड़ा सा खाली एरिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ यार। अब चलते हैं अगली टोयोटा की कार को ट्राई करने, लेट्स गो। अब बारी आ जाती है गाइस यार टोयोटा की तरफ से आने वाली इनोवा क्रिस्टा टॉप मॉडल 2.7Z एडिशन। भाई साहब लेटेस्ट है, अभी अभी लॉन्च हुई है लाइक मार्केट पे आई है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। भाई साहब बहुत ज़्यादा हैवी, बट कहा जाता है कि इसमें फॉर्च्यूनर जैसी पावर देखने को मिलती है। ओके गाड़ी उछल गई, ओह शिट गाड़ी गई, ओके ओके गाड़ी बैलेंस बना ली, बट यार गाड़ी का बहुत तगड़ा बैलेंस बिगड़ा है। ओके कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भाई, गाड़ी से धुआं भी निकल रहा है, आई थिंक कोई इंजन वगैरह में डैमेज हुआ है, बट पूरे कांच चटक चुकी है। अब गाड़ी बैलेंस बना रही है सस्पेंशन का कमाल दिखा करके। ओके बट यार गाड़ी का स्पीड नहीं पता क्यों मुझे बहुत कम लग रहा है यार। एंड शिट, मुझे नहीं लगता पहुँच पाएगी, इम्पॉसिबल है। एंड भाई साहब इनोवा क्रिस्टा ये चैलेंज पे फेल हो चुकी है, बट खैर यार हम लोग हर गाड़ी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा को भी यार हम लोग कहीं और जाके रख देते हैं ताकि गाड़ी का सम्मान बना रहे। तो चलो गाइस गाड़ी को कहाँ रखें, थोड़ा आगे जाके रख देते हैं। ठीक है, बट यार इनोवा क्रिस्टा यार लिटरली भाई जंप कैसे हो गए मुझे समझ नहीं आया। बुलेरो ने तो अपना काफ़ी तगड़ा बैलेंस बना लिया था, बट इनोवा क्रिस्टा ने अपना बैलेंस गंवा दिया, तो यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा फेल है। अब चलते हैं अगली महिंद्रा की गाड़ी को ट्राई करने। यार अब बारी आ जाती है द बिग डैडी ऑफ एसयूवी ऑफ ऑल टाइम, महिंद्रा की ऑल न्यू स्कॉर्पियो S11। वैसे स्कॉर्पियो N भी है हमारे पास, पहले स्कॉर्पियो S11 को देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। भाई साहब ओके उछल गई गाड़ी, ओ शिट, ओ शिट, लेकिन गाड़ी ने बैलेंस बना लिया, गाड़ी ने बहुत जल्दी, ओके ओके बैलेंस बनाने में दिक्कत। ऑलराइट यार लिटरली भाई अब गाड़ियों को दिक्कत हो रही है, पहली गाड़ी को दिक्कत नहीं हुई, अब गाड़ियों को दिक्कत होना चालू हो गई है। ओके काफ़ी प्यारा स्पीड यार यहाँ पे बुलेरो स्कॉर्पियो का। ओके ऑलराइट एंड जंप, ओके पार,
पार 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 हो गया, पार हो गया भाई साहब। इसे कहते हैं काफी शानदार परफॉर्मेंस। स्कॉर्पियो लवर्स यार लिटरली कमेंट सेक्शन में स्पैम करो, स्कॉर्पियो ओपी स्पैम कर दो यार लिटरली भाई। यार यहाँ पे महिंद्रा के दो दो पॉइंट हो चुके हैं एंड अभी तक यार टोयोटा के जीरो पॉइंट है। तो चलो भाई मैं स्कॉर्पियो को वहां पे रख देता हूँ, काफी तगड़ा परफॉर्मेंस है यार। आप लोगों को तो पता ही है ना, बिग डैडी ऑफ एसयूवी स्कॉर्पियो को ही कहा जाता है। एंड यार इस बात का पूरा सबूत मैंने आज की वीडियो पे दे दिया भाई साहब लिटरली। वैसे अभी दो तीन स्कॉर्पियो और है, पहले इसे यहाँ पे रखते हैं एंड चलते हैं अगली टोयोटा की कार को ट्राई करते हैं। लेट्स गो गाइस। अब बारी आ जाती है गाइस टोयोटा की तरफ से आने वाली वन ऑफ द फेमस कार ऑफ ऑल टाइम, टोयोटा फॉर्च्यूनर 2021 एडिशन। भाई काफी तगड़ी कार है, देख लो भाई लिटरली मैंने ब्लू कलर मॉडिफिकेशन दिया नहीं पता क्यों, बट यार कुछ दिन में इसे मैं ब्लैक कर दूंगा। लाइक ब्लू कलर अब मुझे मजा नहीं आ रहा है यार, ब्लैक नहीं तो कोई और नया कलर देखते हैं। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा कलर। ओके सस्पेंशन देख रहे हो गाइस, लिटरली ये गाड़ी नहीं उछली एंड कांच वगैरह भी नहीं टूटे, गाड़ी बैलेंस है एंड जंप। ओके थोड़ा सा मिस बैलेंस हुई बट पार हो गया, आराम से पार हो गया एंड भाई साहब लक्ष्मण रेखा पार हो गया बट गाड़ी पलट गई। ओके 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 गेट ना टूट जाए, ओ शिट जिसका डर था वही हुआ, एक तरफ का गेट टूट चुका है। बाकी गाड़ी पूरी फर्स्ट क्लास है, सस्पेंशन काम कर रहा है, फुल्ली कंट्रोल आगे पीछे लेफ्ट राइट यार पूरा कंट्रोल में भाई साहब। अच्छा कहाँ, चलो एक ही तरफ का गेट टूटा है बट यहाँ पे यार अब मिले हैं जा करके यहाँ पे टोयोटा को एक पॉइंट। तो यहाँ पे गाइस चलो बाकी गाड़ियों के साथ यहाँ पे फॉर्च्यूनर को भी खड़ी कर देते हैं। यार लिटरली वन ऑफ द लेजेंडरी कार है फॉर्च्यूनर, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपको फॉर्च्यूनर पसंद है तो कमेंट सेक्शन में फॉर्च्यूनर ओपी स्पैम कर देना, क्योंकि टोयोटा की पॉइंट की शुरुआत यार यहाँ पे फॉर्च्यूनर ने की है। तो चलो इसे यहाँ पे रखते हैं एंड चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। यार अब बारी आ जाती है बुलेरो महिंद्रा की तरफ से बुलेरो कैंपर, मैं कैंपर की तरफ से महिंद्रा, बुलेरो की तरफ से महिंद्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये है गाइज महिंद्रा की तरफ से आने वाली बुलेरो कैंपर, वन ऑफ द फेमस कार ऑफ ऑल टाइम, जो कि यार अपने नाम पिकअप से जानी जाती है इंडिया में, जिसे सामान गिट्टी वगैरह यार कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जाता है। ओके हाईली तगड़ा सस्पेंशन देखने को मिल रहा है यार, लिटरली गाड़ी कांप रही है, कांच वांच ना टूट जाए, अभी तक तो नहीं टूटे हैं, किस्मत है। ऑलराइट गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे बट अचानक से ये क्या हुआ, अचानक से नहीं पता क्या हुआ एंड गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई एंड यहाँ पे पहली गाड़ी जो यहाँ पे महिंद्रा की तरफ से आने वाली फेल हो चुकी है। ओके तो वो है गाइस यार यहाँ पे बुलेरो कैंपर, तो यार ये गाड़ी फेल है। सस्पेंशन चेक कर लेते हैं। ओके सस्पेंशन भी डैमेज है, ज़्यादा वर्क कर नहीं रहा, पीछे का देखते हैं। ओके पीछे का भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, साइड का ओके साइड के सस्पेंशन फुल्ली वर्क कर रहे हैं लेकिन आगे पीछे में दिक्कत हो रही है। तो खैर गाइस यार गाड़ी को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे एक फेलियर मिल चुकी है हमें महिंद्रा की तरफ से एंड एक तो टोयोटा की तरफ से तो है ही। चलो चलते हैं अगली टोयोटा की कार को ट्राई करने। यार अब बारी आ जाती है फॉर्च्यूनर की एंड ये फॉर्च्यूनर गाइस कोई नॉर्मल फॉर्च्यूनर नहीं है, ये 2019 वाली स्पोर्ट्स एडिशन सुपर फॉर्च्यूनर है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है। एंड यार इस गाड़ी को ही ट्राई करने के बाद मुझे फॉर्च्यूनर लिटरली पसंद आने लगी थी। सो देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है यार। ओके काफ़ी तगड़ा स्पीड बट गाड़ी पलट गई, शिट कांच टूट चुके हैं। ओके टोटली अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट भाई साहब, गाड़ी चेप्टी हो गई अब तो पूरी। ओके गई गाड़ी, गाड़ी गई काम से, ओ गाड़ी तो गई। ओके गाड़ी की हालत पूरी खराब हो चुकी है अंदर से देखे तो। ओके गाड़ी को भगाने में भी अब दिक्कत हो रही है ऑल राइट, लेकिन फिर भी गाड़ी 100 का स्पीड मेंटेन कर रही है भाई, चक टायर्स को देखो कैसे हो रहे हैं। ओके ऑल राइट यार मुश्किल लग रहा है, हो जाएगा, पार हो गया, पार हो गया भाई साहब। यार यहाँ पे टोयोटा का फॉर्च्यूनर भाई क्या परफॉर्मेंस है, गाड़ी की हालत देखो, लिटरली गाड़ी की हालत देखो, बट फिर भी यहाँ पे यार ये फॉर्च्यूनर ने ये चैलेंज कर दिखाया भाई साहब। फॉर्च्यूनर ओपी भाई, मज़ा आ गया लिटरली, काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस है यार यहाँ पे फॉर्च्यूनर का, बहुत ही तगड़ा यार लिटरली। फॉर्च्यूनर ऐप ओपी तो यार स्पैम करना बनता है, इस परफॉर्मेंस के बाद तो यार हर कोई लिटरली फॉर्च्यूनर के फैन बन गए होंगे भाई, क्या ही परफॉर्मेंस है यार लिटरली, मजा आ गया। चलते हैं अब यार अगली गाड़ी को ट्राई करने महिंद्रा की, वैसे पॉइंट इक्वल चल रहे हैं अभी, महिंद्रा के दो पॉइंट है और टोयोटा के दो पॉइंट है। चलो चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करते हैं। यार अब बारी आ जाती है महिंद्रा की तरफ से आने वाली ऑल न्यू द बिग डैडी ऑफ एसयूवी, द बिग डैडी ऑफ एसयूवी ऑफ ऑल टाइम, महिंद्रा की न्यू स्कॉर्पियो एन। यार ये तो बीस्ट है भाई लिटरली बीस्ट है,
यार अब तो नहीं आई है, अभी 2022 वाली है, देखते हैं क्या साहब परफॉर्म करती है। ओके सेम है। ओ भाई साहब सस्पेंशन देख रहे हो, लिटरली गाड़ी को जीरो दिक्कत हो रहा है। स्पीड भी देखो 200 के स्पीड में भाग रही है। ओके इंटीरियर, ओके कांच चटक चुके हैं गाइज, एंड गाड़ी कूद नहीं पाई। ओके ये क्या दिक्कत था गाइज, ये क्या दिक्कत था यार, लिटरली मेरे को समझ नहीं आया। बट यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड फेल हो गई भाई, ये क्या स्कैम था यार, लिटरली भाई ये मेरी गलती तो थी नहीं क्योंकि गाड़ी 200 के स्पीड में थी। ये हो सकता है क्योंकि पानी का बहाव गाइस, लिटरली किस्मत का खेल है, पानी का बहाव कुछ ज़्यादा था एंड यहाँ पे हम लोगों को कुछ अपोजिट सा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। स्कॉर्पियो एंड फेल हो गई भाई, मुझे लगा था पार कर जाएगी एंड कांच भी चटक चुके हैं पूरे, देख लो साइड वाइड के पूरे यार डैमेज हो गए हैं। बट खैर यार कोई बात नहीं, काफ़ी प्यारा यार गाड़ी ने फिर भी स्पीड मेंटेन किया लाइक 200 का स्पीड, वो भी लैडर पे, बहुत बड़ी बात। तो सस्पेंशन के मामले में यार स्कॉर्पियो का काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस था, बट यार क्या कह सकते हैं, किस्मत ख़राब थी, गाड़ी यहाँ पे फेल हो चुकी है। तो चलो गाड़ी को यहाँ पे यार ये सब गाड़ियों के साथ रख देते हैं एंड चलते हैं अगली टोयोटा की कार को ट्राई करने, लेट्स गो। ये है गाइस यार टोयोटा लेजेंडर, लिटरली फॉर्चुनर लेजेंडर है, टॉप मॉडल यार, लिटरली कलर देखो, लुक्स देखो, मुझे नहीं लगता यार ये गाड़ी को ये चैलेंज पार करने में लिटरली दिक्कत भी आने वाली है यार। ओके काफ़ी तगड़ा जंप, लेकिन गाड़ी ने तगड़ा बैलेंस बनाया, इंटीरियर देखे तो ओके काफ़ी प्यारा इंटीरियर यार। ओके गाड़ी को लिटरली जीरो दिक्कत यार, 200 कवर कर रही है गाड़ी आराम से, लेकिन मिस बैलेंस के गलत नतीजे दिख सकते हैं। बट यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता भाई, काफ़ी आसानी से यहाँ पे यार लेजेंडर ने कर दिया एंड लैंडिंग भी आप लोगों ने देखा कितना स्मूथ लैंडिंग हुआ यार, लिटरली एकदम मक्खन की तरह लैंडिंग हुआ यहाँ पे। एंड ओ शिट ये क्या जंप था, गाड़ी कंट्रोल, ओ शिट कंट्रोल नहीं हो पाई। बट खैर यार जंप काफ़ी प्यारा था, काफ़ी तगड़ा यार, लिटरली लेजेंडर ओपी, लिटरली यार जो भी लेजेंडर लवर है लेजेंडर ओपी इन द चैट स्पैम कर दो, काफ़ी ज़्यादा प्यारा परफॉर्मेंस था, मज़ा आ गया यार। यहाँ पे मेरे ख्याल से टोयोटा एक पॉइंट से लीड कर रही है, आई गेस हाँ एक पॉइंट से लीड कर रही है। यहाँ पे महिंद्रा की 2 पॉइंट एंड टोयोटा की 3 पॉइंट हो चुके हैं भाई, महिंद्रा को कम बैक करना पड़ेगा यार लिटरली। बट खैर कोई बात नहीं यार, यहाँ पे काफ़ी प्यारा लेजेंडर का परफॉर्मेंस यार, लेजेंडर ओपी स्पैम कर दो, अगर आप फॉर्चुनर या टोयोटा लवर हो तो लेजेंडर ओपी स्पैम करना मत भूलना। तो चलते हैं अगली टोयोटा की कार को मतलब महिंद्रा की कार को ट्राई करते हैं। अब जो गाड़ी की बारी आ जाती है गाइज, वन ऑफ द फेमस ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बेस्ट ऑफ रोडिंग कार जिसे मैं मानता हूँ, महिंद्रा थार गाइज। यार लिटरली इस गाड़ी ने जी वैगन तक को हराया, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देखना यार, ये गाड़ी लिटरली कमाल है भाई। ये देखो यार अब पता ही नहीं चल रहा भाई, गाड़ी की बॉडी वहीं पे खाली चक्के हिल रहे लग रहा है यार। स्पीड भी देखो कितना 200 पार जा रही है, 200 ज़्यादा कोई अभी तक गाड़ी गई नहीं है। ओके टच कर दिया है, ओके जंप हो गया काफ़ी प्यारे तरीके से, ऑल राइट यहाँ पे यार काफ़ी बटर की तरह लैंडिंग। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारा बालू यार रेती कह सकते हो, यार बालू बोलते हैं हम लोग और रेती भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ये गाड़ी यहाँ पे बहुत सारी ये पड़ी हुई है तो यहाँ पे लैंडिंग करने में आसानी होती है। ओके काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस यार यहाँ पे महिंद्रा थार का देखने को मिलता हुआ, मज़ा आ गया भाई लिटरली। थार ने भी ये चैलेंज कर दिखाया, तो यहाँ पे थार की वजह से यहाँ पे यार महिंद्रा ने कमबैक कर दिखाया, वरना यार थार अगर नहीं कर पाती तो यार लिटरली ओ शिट यार लिटरली मैं टक्कर मार दिया, देख नहीं रहा था, मैं सोचा कट मार के निकालूंगा। बट खैर यहाँ पे काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस यार देखने को मिलता हुआ थार की तरफ से, तो यार थार ओपी स्पैम कर दो कमेंट सेक्शन में, लिटरली भाई थार ऐसी गाड़ी है ना यार, इसके लिए भाई कमेंट सेक्शन में हर कोई बंदा स्पैम करना चाहिए, क्योंकि भाई थार ने ना लिटरली मेरा दिल जीता है एंड आप लोग का प्यार तो थार को मिलता ही है हर वीडियोज़ में, क्योंकि यार कल की वीडियो में तो लिटरली यार ये थार ने लैंड रोवर डिफेंडर और क्या कहते हैं जी वैगन तक को हरा करके दिखाया था बहुत सारे चैलेंज में। अगर आपको कल की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाना, आपको वीडियो मिल जाएगी ठीक है। तो अब चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, जो कि गाइस है टोयोटा की तरफ से आने वाली आई गेस हिलक्स, तो चलो देखते हैं। ये है गाइस यार टोयोटा की तरफ से आने वाली हिलक्स, जैसे कि हमारी महिंद्रा की पिकअप है वैसे ये हिलक्स है, पाकिस्तान में इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है यार, मैं मेरे को पता है ये नॉलेज है लाइक हिलक्स पाकिस्तान में और जो बुलेरो कैंपर है वो इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है ठीक है। चलो देखते हैं यार टायर शाइन कर रहे हैं, ओके ऑल राइट गाड़ी लिटरली चमक रही है, ओके बट यार दिक्कत तो दिख नहीं रही, गाड़ी की स्पीड भी अच्छी जा रही है, ओके ओके और यहाँ पे तगड़ा जंप भाई, पार 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 नहीं नहीं हो पाया पार, ओ शिट टक्कर हो गई भाई साहब। यहाँ पे टोयोटा की हिलक्स इस चैलेंज में फेल हो चुकी है लिटरली, एक पल के लिए मुझे लगा था इस गाड़ी ने ये चैलेंज को कर दिखाया, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतों के साथ
टोयोटा हिलक्स फेल होते हुए भाई, लिटरली पिकअप भी यहाँ पे हमारी फेल हो गई थी, लाइक क्या कहते हैं महिंद्रा की कैंपर। बट कोई बात नहीं यार, होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे यार काफ़ी मतलब दुख भरी कहानी तो कह नहीं सकते, बट फिर भी हिलक्स यहाँ पे फेल हो चुकी है। चलते हैं अगली महिंद्रा की गाड़ी को ट्राई करने, ठीक है। आई गेस लास्ट गाड़ी है और वो XUV700 है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। यार अब बारी आ जाती है XUV700 महिंद्रा की लास्ट कार। अगर ये फेल हो जाती है तो भाई महिंद्रा के पास कम चांसेस रहते हैं कि वो टोयोटा से जीत पाएगी, बट अगर ये जीत जाती है तो भाई टोयोटा के पास कम चांसेस रहेगी कि वो महिंद्रा से जीत पाए। ओके ऑल राइट, जीरो दिक्कत। ओ शिट, ओके गाड़ी सीधी हो गई। ओ भाई ओके ओके, एक राउंड हो गया, सीधा हो जा। ओके सीधी हो गई भाई, XUV700 OP भाई। ओके बैलेंस है, दिक्कत नहीं है, गाड़ी स्पीड भी अच्छी दे रही है। जंप हो जाए बस, मुश्किल लग रहा है एंड भाई मुश्किल लग रहा है, क्या मुश्किल है भाई। XUV700 वन ऑफ दी हैवीएस्ट गाड़ियों में से एक है, एंड यार उस ये चीज़ तो देखने को था ही, लाइक XUV700 ये चैलेंज पे फेल हो चुकी है भाई साहब। यार लिटरली भाई महिंद्रा के 3 पॉइंट है, टोयोटा के 3 पॉइंट है, एंड अब बारी आ जाती है लैंड क्रूशर की। ओके मैं इसको एक बार ड्रिफ्ट देता हूँ, काफ़ी लंबा आला। ओके भाई पूरा धूल हो गया रास्ता, बट यहाँ पे XUV700 ये राउंड पे फेल हो चुकी है। तो खैर गाइस गाड़ी को यहाँ पे रखते हैं। ओके ऑलराइट यहाँ पे रखते हैं एंड चलते हैं अगली टोयोटा की लैंड क्रूशर को ट्राई करते हैं, लेट्स गो। यार लैंड क्रूशर आखिरी गाड़ी नहीं है, आखिरी गाड़ी है ये मत समझना, क्योंकि इसके बाद में जी वैगन, थार वैगन, लैम्बोर्गिनी यूरस और जीप रूबिकॉन और 5-6 मतलब 10-12 गाड़ियों को और ऐड करूंगा, उन्हें भी ट्राई करेंगे, क्योंकि सुपर कार्स भी आप लोगों की फेवरेट कार्स है। डेट्रैक्स फैमिली के लिए कुछ भी भाई, बस आप लोग सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब ठोको। ओके यार इसके टायर्स को देखो, लग ही नहीं रहा भाई, लिटरली लैंड क्रूशर की स्पीड देखो भाई साहब, 240 गया। ओ भाई पार पार पार, सबसे ज्यादा आगे कूदी है गाड़ी। ओके एंड भाई साहब सुपर सस्पेंशन का कमाल है यहाँ पे, लैंड क्रूशर ओपी इन द चैट गाइस, लिटरली लैंड क्रूशर इज द किंग, द बीस्ट, द सुप्रीम भाई, लिटरली मजा आ गया यहाँ पे, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। यार ये वीडियो की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया जाएगा जी वैगन, मतलब यार लैंड क्रूशर को यहाँ पे यार। और पॉइंट देखते हैं कौन सी गाड़ी का कितना हुआ है, ठीक है। ऑलराइट गाइस ये मुझे क्या देखने को मिल रहा है आज, यहाँ पे टोयोटा 1 पॉइंट से लीड कर चुकी है एंड महिंद्रा 1 पॉइंट से पीछे भाई, जस्ट XUV700 की वजह से। बट खैर कोई बात नहीं यार, आज महिंद्रा पीछे रह गई, कोई गल नहीं, टोयोटा आज विनर है। बट खैर अब चलते हैं बाकी गाड़ियों को ट्राई करने, जी वैगन, लैम्बोर्गिनी, यूरस एंड और भी ढेर सारी गाड़ियाँ, चलो भाई बहुत मजा आएगा। ऑलराइट गाइज मैंने कुछ कुछ गाड़ियों को ऐड किया है यहाँ पे, जीप है, रॉल्स रॉयस है, स्विफ्ट डिजायर है, जी वैगन है, टाटा नेक्सॉन है, लैम्बोर्गिनी यूरस, थार वैगन, एमजी एक्टर प्लस, किया सेल्टॉस एंड मर्सिडीज G63 वो भी ओल्ड एडिशन। तो यहाँ पे पहली गाड़ी हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं वो है गाइज जीप की, जीप रैंगल और रूबिकॉन भी आप कह सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं कैसा ये परफॉर्म करती है, भगाते हैं भाई इसके बड़े बड़े चक्के यार लिटरली। ओके भाई साहब गाड़ी लगी नहीं रही भाई, लैडर के ऊपर चढ़ रही है इतने बड़े बड़े चक्कों की वजह से, काफी इजी जंप होगा जीरो दिक्कत के साथ। ऑलराइट एंड जंप भाई, लिटरली गाड़ी के लिए तो ये चैलेंज एकदम इजी था ब्रो, लगा भी नहीं हम लोग लैडर के ऊपर थे, लाइक इतने बड़े बड़े अगर गाड़ी के चक्के होंगे तो भाई पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग लैडर के ऊपर चढ़ रहे हैं कि किसके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो फिलहाल यार ये गाड़ी विनर है, मैं इसे यहाँ पे इसे रखता हूँ एंड चलते हैं अगली स्विफ्ट को ट्राई करते हैं, लाइक छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी बुन्नी सी स्विफ्ट, क्या लगता है गाइस वो इस खतरनाक से लैडर रैंप चैलेंज को कर पाएगी या नहीं, चलो देखते हैं। स्विफ्ट नहीं गाइस यार, अभी बारी है रॉल्स रॉयल्स की, यार कहा जाता है वन ऑफ दी बेस्ट सस्पेंशन वाली गाड़ी रॉल्स रॉयल्स होती है, एंड दुनिया में यार सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी भी रॉल्स रॉयल्स ही है, ठीक है। देखते हैं कैसी परफॉर्म करती है ये, एक गेट तो खुला रह गया। ओके जंप, ओके गई गाड़ी, गाड़ी गई भाई साहब, उल्टा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मैंने तो सुना था रॉल्स रॉयल्स का सस्पेंशन एक नंबर होता है। ओके ऑलराइट यार गाड़ी पलट चुकी है, सीधी हो। ऑलराइट वैसे भी ये महंगी वाली रॉल्स रॉयस यार, रॉल्स रॉयस डॉन है ये, जो कि करोड़ों की आती है लिटरली भाई, 8-9 करोड़ से कम की नहीं होगी। एंड टायर्स को देखो, ओ भाई साहब फुल्ली कंट्रोलेबल है। ओके सस्पेंशन के मामले में यहाँ पे जी तोड़ जंप, बट पार हो गया। ओके अब पार है कि विनर नहीं पता, मैं तो साइड में कूदा, बट खैर यार गाड़ी को विनिंग लिस्ट में डालते हैं, काफ़ी प्यारा लेकिन गाड़ी ने
बैलेंस जो बनाया है थोड़ा लेट से बनाया है, बट बैलेंस जब बनाया तो यार काफ़ी प्यारा बैलेंस बना। सस्पेंशन अभी भी वर्क कर रहे हैं पूरे के पूरे प्रॉपरली। तो यहाँ पे गाइस रॉल्स रॉयल्स ने ये चैलेंज को सर्वाइव कर लिया है। रॉल्स रॉयल्स विनर है भाई, एक बार गिरने के बावजूद भी यहाँ पे रॉल्स रॉयल्स ने ये चैलेंज को कर दिखाया है। इससे पता चलता है रॉल्स रॉयल्स भाई इतनी ज़्यादा महंगी क्यों है भाई, लिटरली मज़ा आ गया। चलो इसे यहाँ पे रख देते हैं जीप वैरंगल के पास एंड चलते हैं अगली इंडियन कार्गो ट्राई करने स्विफ्ट को, लेट्स गो। यार अब बारी आ जाती है स्विफ्ट स्विफ्ट की। हाँ चलो भाई स्विफ्ट देखते हैं क्या कमाल दिखा पाती है भाई। छोटी सी स्विफ्ट पलट ना जाए बस मैं ये उम्मीद लगा के रखा हूँ। फुल स्पीड, ओके ओके भाई, बैक फ्लिप हो गया, फ्रंट फ्लिप हो गया। ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट भाई, गाड़ी की हालत तो अभी से खराब हो चुकी है गाइस। ओके काफी अच्छा बैलेंस बना रही है अंदर से देखे तू। ऑलराइट प्यारा बैलेंस यार, जीरो उतना ज़्यादा दिक्कत तो हो नहीं रहा, उससे जंप हो जाएगा पार पार, नहीं नहीं पार नहीं हो पाएगा, गाड़ी में इतनी पावर नहीं है भाई साहब। ड्रम के ऊपर टकरा गए, एक ड्रम उछल गई, कहाँ गई भाई। बट खैर जो भी कहो, यहाँ पे स्विफ्ट ये चैलेंज पे फेल हो चुकी है, तो ये गाड़ी को तो हम लोग को फेल करना पड़ेगा। फेल तो हम लोग पानी में डुबा के करते हैं। तो यहाँ पे गए स्विफ्ट फेल हो चुकी है, तो यार यहाँ पे और कुछ ऑप्शन नहीं है, चलते हैं अगली सुपर कार को ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा ट्राई करती है वो। जी वैगन की बारी आ जाती है गाइज, यार देखते हैं चलो यहाँ पे मर्सिडीज की जी वैगन कैसा परफॉर्म करती है। वैसे मैंने कल एक वीडियो डाली थी जी वैगन वर्सेस थार वर्सेस लैंड रोवर डिफेंडर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो ये वीडियो के बाद, ठीक है। ओके भाई साहब ये कुछ अलग, ओके गाड़ी ने बैलेंस बना दिया, एक कांच नहीं सामने का कांच टूटा है, बाकी गाड़ी पूरी चालू है। सस्पेंशन पे इफेक्ट पड़ा है थोड़ा सा, सस्पेंशन टाइट लग रहा है मुझे नहीं पता क्यों, बट खैर जंप होगा कि नहीं भाई साहब। ओके ऑलराइट मुश्किल है, मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है यार, मुझे नहीं लगता कर पाएगी। जी वैगन भी ये चैलेंज पे फेल हो गई है, मुझे लग रहा था कि ये पार कर जाएगी बट नहीं पता क्या हो गया बीच में, उछल कैसे गई भाई साहब। बट फिर भी यार यहाँ पे काफ़ी यार हैवी लगती है मुझे जी वैगन, लाइक अगर मेरे को पहाड़ वगैरह में गाड़ी चलानी है तो जी वैगन से बेहतर गाड़ी लाइक कुछ कुछ है, बट यार फिर भी जी वैगन को मैं प्रीफर करता हूँ, ये हैवी गाड़ी है यार, पलटने के चांसेस कम रहते हैं। तो गाइस यार चलो फिर भी अपने को गाड़ी को पलटाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी फेल है। तो यहाँ पे ठंडी हो चुकी है, विसर्जन हो चुका है गाड़ी का, चलो चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। टाटा नेक्सॉन भाई साहब, वन ऑफ द बेस्ट, लिटरली बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कार ऑफ इंडिया। टाटा सबसे ज़्यादा मजबूत गाड़ियाँ बनाने के लिए जानी जाती है, आप लोगों को तो पता ही है। ओके बट यहाँ पे टाटा नेक्सॉन ने यार सस्पेंशन को झेल लिया है और स्पीड भी अच्छा दे रही है भाई साहब। नेक्सॉन ओपी, लिटरली भाई नेक्सॉन ओपी, 200 का स्पीड टच होने वाला है, बट ये क्या हुआ भाई साहब, एंड टाइम पे, लिटरली एंड टाइम पे, आखिरी पे जब रैंप था तब जाके गाड़ी का मिसबैलेंस हुआ है भाई, लिटरली ब्रो। यहाँ पे अब मैं कैसे करूँ यार, मैं रीट्राई तो करने वाला हूँ नहीं क्योंकि मैंने एक भी गाड़ी को चांस ही दिया, तो इसे दूंगा तो बाकी गाड़ियों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो चलो यहीं से कुदा देते हैं, जमीन तक तो पहुँच ही जाएंगे। ओके ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमारी क्या कहते हैं टाटा नेक्सॉन फेल हो चुकी है, बट यार मुझे लगा था ये कर दिखाएगी, बट यार सब गाड़ी को एक ना एक बार फेल होना पड़ता है। वैसे अभी तीन चार गाड़ियाँ लगातार फेल हुई है यार, मुझे क्या दिक्कत हो गई है नहीं पता, बट खैर यहाँ पे नेक्सॉन को पानी में डुबाने का वक्त आ चुका है, चलते हैं सीधा पानी पर डुबाने। एंड यहाँ पे नेक्सॉन भी ठंडी हो चुकी है या विसर्जन हो चुका है नेक्सॉन का, चलते हैं अगली सुपर कार या इंडियन कार को ट्राई करने। लैम्बोर्गिनी यूरस भाई, वन ऑफ माय ड्रीम कार लिटरली। इस गाड़ी का कलर देखो, लुक्स देखो भाई, एक भी कटआउट पे यार लिटरली मार्क नहीं है, इसी से पता चलता है कितनी स्टैंडर्ड गाड़ी है भाई साहब। ओके ओके काफ़ी तगड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश की थी मैंने, बट यहाँ पे पूरी नाकाम रही भाई, गाड़ी पलटते ही जा रही है। ओके गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है, मेन दिक्कत मैं समझ गया पहले ही जंप पे, और पहले मेरे को लग भी रहा था, बट यहाँ पे गेट वगैरह टूटते ही जा रहे हैं गाइस। यार एक तरफ का ही खाली पूरा गेट बचा है और डिक्की तो उखड़ी है। ओके सामने का बोनट भी ढीला हो गया, बाकी गाड़ी पूरी चंगी है, लेट्स गो। स्पीड अच्छा पकड़ रही है अभी भी, बहुत जल्दी स्पीड पकड़ा है गाड़ी ने। ओके पार कर लेगी, ओके पार कर लेगी शायद तक। ओके एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यार, गाड़ी फेल हो गई यार। ये सब देख के एक चीज़ तो साबित हो जाता है कि जो इंडियन कार्स होती है भाई वो सुपर कार्स यार
कुछ हद तक यार ज़्यादा अच्छी होगी होती है। लाइक ये लैडर क्लाइंब में देखो ना, जी वैगन फील हो गई, लैम्बोर्गिनी यूरस फील हो गई भाई। भले ये गाड़ियाँ बहुत तेज भागती है, 300-400 का स्पीड देती है, बट क्या फ़ायदा भाई, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है उतरा में यार। 400 की स्पीड पे कौन बंदा गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है भाई, पहली बात तो। यहाँ पे यार 300 के स्पीड पे एक्सीडेंट, 300 के स्पीड पे यार लिटरली एक्सीडेंट यार ख़त्म हो जाते हैं बंदे। एंड यार 400-800 में तो भाई ब्लास्ट ही हो जाएगी गाड़ी। बट खैर जी यहाँ पे लैम्बोर्गिनी यूरस फेल है, चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने हैं। सेल्टॉस की बारी आ जाती है गाइज। यार लिटरली किया की गाड़ियाँ यार मुझे नहीं पता क्यों यार बहुत हल्की और कमज़ोर लगती है यार, लेकिन रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। ओके ऑल राइट यार, नहीं पता क्या हो रहा है अब, गाड़ियाँ पलटना काहे चालू हो गई है। ओके ये तो भाई साहब, ओके इसको एक बार चांस दिया जाएगा, ये प्रॉपर नहीं गई, ठीक है नीचे गिरने देते हैं। ऑल राइट चलो ऊपर चलते हैं। वंस अगेन गाइस यार ट्राई करते हैं सेल्टॉस को, देखते हैं कैसा ये टप्पा अप्पा खाती तो नहीं है ना। चलो भाई ओके जंप, लेकिन इस बार बैलेंस बनाया गाड़ी ने काफ़ी प्यारा। ओके उछल भी नहीं रही है ऑल राइट, और स्पीड भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है भाई साहब, पार कर सकती है गाड़ी। एंड यार पानी की वजह से गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई, लिटरली पानी की वजह से, वरना गाड़ी ने 180 का मतलब 100 क्या बोल रहा हूँ 260 तक का स्पीड कैप्चर किया था। कोई बात नहीं यार, होता है सेल्टॉस यार, नहीं पता अब इंडियन सुपर दोनों फेल हो रही है भाई, नहीं पता क्या दिक्कत हो रहा है। बट खैर मज़ा बहुत आ रहा है मुझे गाड़ियों को फेल होता देख भाई, लिटरली पलट रही है, सस्पेंशन पूरा डैमेज हो गया। ओके सेल्टॉस का भी लिटरली गाड़ी गोल 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 घूम रही है, रुको मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। ओके ऑल राइट ये देखो ये क्या है गाइस, ये उल्टी हो गई, सीधा हो चुकी है गाइस, कोई बात नहीं, चलते हैं आज की आखिरी गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। यार अब बारी आ जाती है थार वैगन की। एंड यार लिटरली कस्टम मेड यार, मैंने इसे थार और जी वैगन को मिला करके बनाया, देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। ओके डायमंड का लोगो है पीछे, ऑल राइट काफ़ी प्यारा बैल, ओ शिट मैं सोचा बैलेंस बनाएगी, लेकिन गाड़ी तो पलटते जा रही है भाई साहब, गेट पे गेट टूट रहे हैं। ओके टोटली अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट यार, लिटरली गाड़ी की पूरी शाइनी निकल गई। ओके बट खैर अभी भी गाड़ी पलट रही है, मुझे गाड़ी को सीधा करना है। ओके ओके चलो भाई, लेकिन गाड़ी का डिज़ाइन पूरा बदल गया। ओके शॉकअप देखो, सस्पेंशन देखो, लेकिन गाड़ी की स्पीड देखो बहुत कम है यार, बहुत मुश्किल है पार कर पाना इसके लिए। ओके नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल, लाइक लिटरली अब क्या हो गया यार, गाड़ियाँ पार क्यों नहीं कर पा रही भाई, सुपर कास्ट कोई दिक्कत हो रही है क्या है, टाटा नेक्सॉन ने तो कर ही दिखाया भाई, मैंने कोई चेंजेस वगैरह नहीं किया, ना स्पीड बढ़ाया ना स्पीड कम किया, कुछ भी नहीं किया, मतलब सब सेम भगा रहा हूँ मैं, पूरा थ्रॉटल दे रहा हूँ, बट फिर भी यहाँ पे सुपर कास्ट फेल हो रही है। मुझे मेन दिक्कत लग रहा है गाइस ग्राउंड क्लियरेंस का, आपको क्या लगता है मेन दिक्कत क्या है कि लाइक सुपर कास्ट क्यों फेल हो रही है यार। फिलहाल गाड़ी को पानी में डुबाते हैं, वैसे गाड़ी पानी में जा नहीं रही है, इधर उधर भटक रही है, चलो डुबा देते हैं यार पानी में, तो जाने यहीं से क्योंकि गाड़ी फेल है जी वैगन के, अफसोस हमें यहाँ पे पानी पे डुबाना पड़ रहा है। चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। अब यार यहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ बची है, एक MG Hector है, MG Hector Plus है, और किया सेल्टॉस है, और यहाँ पे मर्सिडीज की G63 है। पहले यार MG Hector Plus को देखते हैं, यार इंडियन कार है प्रॉपर यार, काफ़ी प्यारा जंप। ओके स्पीड भी देख रहे हो भाई, इंडियन कार्स पूरा अपना स्पीड, ओ शिट भाई तारीफ मैंने किया। एंड यहाँ पे जी वैगन घूम फिर के सीधी हुई है भाई, अब सीधा हो के क्या मतलब, गाड़ी का तो स्पीड ही नहीं रहेगा। ओके अब तो खत्म है भाई, पहुँचना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी भाई देखो ना बहुत आगे तक आ रही है यार, इतना दूर तो सुपर कार यार 112 भी कर दी देखो, बताओ ये लेकिन टप्पा खा के पार गई है, तो यहाँ पे हम लोग इसको नहीं गिनेंगे। बट खैर यहाँ पे MG Hector Plus फेल है, और ओ भाई ये तो ऐसी पलट जाती है, सस्पेंशन गया हो गया, सस्पेंशन खत्म हो गया गाड़ी का, और गेट पे गेट तो ऐसे टूट रहे जैसे ताश के पत्ते हो भाई। तो यहाँ पे MG Hector Plus फेल हो चुकी है, चलते हैं अगली इंडियन कार को ट्राई करने, लेट्स गो। यार इसे ट्राई करने से पहले ना, अगर आप अभी तक मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आपने मेरी वीडियो आधे घंटे तक देखी है, इसका मतलब आप डेट्रैक्स फैमिली के मेंबर बन चुके हो। बट आपको ऑफिशियली मेंबर बनना है तो आपको फटाफट से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नीचे जो लाल वाला बटन है उसे दबा करके आप डेट्रैक्स फैमिली में शामिल हो सकते हो। तो गाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे भी हम लोग 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले, तो यार सब्सक्राइब करने में कोई क्या कहते हैं यार कसर नहीं छोड़ना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि यार हमारा चैनल जो किया
यार 50,000 का है वो 60,000 सब्सक्राइबर का हो सके और एक ना एक दिन 1 मिलियन भी हो सके। वैसे यार यहाँ पे सबसे प्यारा परफॉर्मेंस यार अब तक 5-6 गाड़ियों के बाद यहाँ पे छोटी सी मर्सिडीज ने कर दिखाया है भाई। यार अगर आप मेरी वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हो ना तो ये ऐसी गाड़ी है ना जो ऑलराउंडर है, लाइक जब भी मैंने गाड़ी को चलाया इस गाड़ी ने मुझे बहुत कम ही निराश किया लिटरली भाई। बट अभी ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड देखने को मिल रहा है। बट खैर मज़ा बहुत आया आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इसी टाइप के और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो यार मेरे चैनल पर जाना, आपको मिल जाएंगे, इससे अच्छे भी मिल जाएंगे, इससे लाख गुना और अच्छे 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 ही वीडियो मिलेंगे। बेकार तो तुम्हारा भाई वीडियो बनाता है नहीं, तो आप जाके देखना मज़ा आ जाएगा। और आपको किस टाइप की गाड़ियाँ वगैरह और अब आने वाली वीडियोस में चाहिए, लाइक कौन कौन सी गाड़ियाँ, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आने वाली वीडियोस में ऐड कर दूंगा। एंड कोई ये वीडियो में आपको कौन सी गाड़ी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा वो भी बताना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन बाय बाय टाटा एंड लव यू ऑल गाइस, तब तक ले सब्सक्राइब कर लेना, बाय।